नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं आज फिल्म सर्कस के बारे में। अरे लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें बेल आइटम दबा के, ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सिनेमा इंडिया की पहली कड़ी में आपने फिल्म भेड़िया के रिव्यू सुना, मैं आज आपको सर्कस फिल्म के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, फिल्म सर्कस को 3 बड़े प्रोड्यूसरों ने मिलकर प्रोड्यूस किया है, खुद रोहित शेट्टी पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट और टी सीरीज। यह फिल्म रोहित शेट्टी द्वारा डायरेक्ट की गई है। रोहित शेट्टी अपने आप में एक ब्रांड है। हाँ दोस्तों, उनका नाम जिस फिल्म में जुड़ता है लोग उसके बारे में जानने को इच्छुक होते हैं। यह फिल्म सर्कस 2020 में अनाउंस हुई थी। इसकी शूटिंग मुंबई और ऊटी जैसी खूबसूरत वादियों में हुई है। मेन लीड में रणवीर सिंह हैं और वो भी डबल रोल में। एक कॉमेडी फिल्म अंगूर नाम से 1982 में बनी थी, ये उसका रीमेक है। और अंगूर जो थी वो 2x4 कॉमेडी फिल्म थी 1968 में बनी हुई, और 2x4 का आइडिया बंगाली फिल्म भ्रांति बिलास से अडॉप्ट किया गया था। आपने दिलीप कुमार को राम और श्याम, हेमा मालिनी को सीता गीता उसमें देखा था, जो ऐसे एक करेक्टर सीधा साधा और दूसरा टपोरी टाइप का होता है। यहाँ भी रणवीर सिंह इसी तरह के दो करेक्टर में दिखेंगे और ढेर सारे कॉमेडियन के साथ। इनकी हीरोइन होंगी पूजा हेगड़े और जैकलिन फर्नांडिस। अजय देवगन और दीपिका पादुकोण स्पेशल अपीयरेंस में दिखेंगी आपको इस फिल्म में। इस फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस हो चुकी है, 23 सितंबर को ये आप अपने नज़दीक के सिनेमाघरों में इसे देख सकते हैं। अब हम आपको अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।